दोस्तों आप भी लग्जमबर्ग जाना चाहते हो, आप भी गूगल पे इस टाइप का क्वेश्चन सर्च करते हो, व्हिच जॉब्स आर लग्जमबर्ग, इज लग्जमबर्ग इजी टू गेट जॉब, आर देयर जॉब्स इन लग्जमबर्ग, हाउ टू अप्लाई फॉर लग्जमबर्ग। और भी दोस्तों आप लोग सर्च करते हो लग्जमबर्ग जॉब फ्रॉम इंडिया, लग्जमबर्ग जॉब सैलरी, लग्जमबर्ग जॉब गवर्नमेंट वेबसाइट। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, जो जो सवाल आपके मन में है सब हम क्लियर करने वाले हैं। लग्जमबर्ग में आपको जो जो सवाल है इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना पड़ेगा लग्जमबर्ग के बारे में, लग्जमबर्ग क्या है, लग्जमबर्ग कहाँ है। लग्जमबर्ग जो है एक यूरोप कंट्री के अंदर आता है। इधर का पॉपुलेशन जो है 6.51 लाख के आसपास इधर पॉपुलेशन है। और लग्जमबर्ग एक छोटा कंट्री है जो फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम से घेरा हुआ है। इसका जो कैपिटल है लग्जमबर्ग ही है, क्योंकि ये छोटा कंट्री है, लग्जमबर्ग देश का नाम है, कैपिटल भी लग्जमबर्ग ही है। और ये जो लग्जमबर्ग है, आपको पहले जानना पड़ेगा फेमस क्यों है, इतना फेमस क्यों है। आप लोग लग्जमबर्ग में, यूरोप में तो बहुत सारा कंट्री आता है, इनमें से लग्जमबर्ग आप लोग इतना ज़्यादा क्यों सुन रहे हो। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा लग्जमबर्ग का पिछला हिस्ट्री के बारे में। लग्जमबर्ग जो था स्टील इंडस्ट्री का, सबसे पहले बहुत फेमस था स्टील इंडस्ट्री के लिए, लेकिन उसका पतन के बाद लग्जमबर्ग मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेंटर के लिए जाना जाता है यूरोप के अंदर। लग्जमबर्ग में कौन सी जॉब अभी डिमांड में चल रहा है? तो लग्जमबर्ग में कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, बहुत सारा लेबर कैटेगरी का जॉब होता है जिसमें बहुत सारा लोगों की ज़रूरत होता है, इसमें जॉब अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर फार्म रिलेटेड जॉब्स है इसमें भी बहुत सारा लोगों को हायर किया जाता है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग हो, इंग्लिश स्पीकर, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं आता है। लग्जमबर्ग में तीन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा चलता है, लग्जमबर्ग, फ्रेंच, जर्मन। जो आप लोगों के इस लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, इंग्लिश स्पीकर हो तो आपके लिए आईटी सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल होता है, बैंकिंग सेक्टर में जॉब होता है, और भी बहुत सारा अनस्किल कैटेगरी का जॉब होता है जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट को चाहिए होता है, जिसमें ये जर्मन लैंग्वेज, लग्जमबर्गिश लैंग्वेज एंड फ्रांस जो जर्मनी का लैंग्वेज है, इसका जो लैंग्वेज है आपको नहीं चाहिए। ओनली अगर आप टूटा मोटा इंग्लिश बोल लेते हो तो भी आप लग्जमबर्ग के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। आप तो बहुत सारा भाई है जो लग्जमबर्ग में या यूरोप कंट्री में जाना चाहते हो, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है जो आप किसी एजेंट्स के थ्रू आप लग्जमबर्ग जाओगे, है ना। क्योंकि एक एजेंट आपसे 15 लाख से 20 लाख के आसपास डिमांड करता है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। पैसा खर्च करके आप नहीं जाने वाले हो, इसलिए आपने सोच रहे हो आप फ्री में कैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट पे एप्लीकेशन करके जा सकते हो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग जिसके पास इतना पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं है, जो इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करके लग्जमबर्ग जाना चाहते हो, उन भाई के लिए वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप लोग देख रहे हो अब्रॉड जॉब्स गाइड। हम हमेशा आप लोगों को अब्रॉड के लिए, लग्जमबर्ग के लिए, क्रूज के लिए ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से हमारा मोटिवेशन बहुत ऑन होता है, तो हम नया वीडियो लेके आने के मन होता है। दोस्तों लग्जमबर्ग में अगर आपको एप्लीकेशन करना है, बहुत सारा ऑफिशियल पोर्टल है जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कुछ वेबसाइट का नाम आपको बता रहे हैं जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसमें सिलेक्शन चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। इस ऐसा कुछ ऐसी कुछ वेबसाइट जो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, सबसे पहले जो वेबसाइट है वो लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप, एक ट्रस्टफुल वेबसाइट है जिसमें आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। नंबर टू पे जो आता है mobijobs.com, mobijobs.com जो है आप लग्जमबर्ग के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। randstad.lu, monster.com, jobs.lu, work.lugzimburg.lu, ये जो वेबसाइट है इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हो। बहुत अच्छा वेबसाइट है जिसमें रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप चाहो तो एप्लीकेशन करके आपको जॉब मिल सकता है। दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो एक बात आपको जानना जरूरी है। देखो दोस्तों, लग्जमबर्ग में एप्लीकेशन करने से पहले आपको जानना पड़ेगा, देखो बहुत सारा लोग तो ये जॉब के लिए एप्लीकेशन करता है, उनमें से आपका CV जो है शॉर्टलिस्टेड होना चाहिए, है ना। बहुत सारा लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनमें से आपका CV शॉर्टलिस्टेड नहीं रहे हो, आप भी एप्लीकेशन कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसका मेन रीज़न जो है ये है आपका रिज्यूम, क्योंकि आपका रिज्यूम अगर प्रॉपर वे से आप रेडी नहीं करोगे तो सिलेक्शन चांस नहीं होता है, ठीक है। तो आपका रिज्यूम प्रॉपर वे से रेडी करो, कॉवर लेटर प्रॉपर वे से रेडी करो। रिज्यूम होना चाहिए यूरोपा स्टाइल में, आप नॉर्मल किसी घर में बना हुआ रिज्यूम जो हम इंडिया के लिए यूज़ करते हैं, गल्फ कंट्री में जॉब के लिए यूज़ करते हैं, ये रिज्यूम अगर आप लग्जमबर्ग के लिए यूज़ करोगे ना, कोई चांस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रिज्यूम नहीं चलता है। आपका यूरोपास रिज्यूम चाहिए, जो लग्जमबर्ग बोलो या एनी काइंड ऑफ यूरोपियन कंट्री के लिए यूरोपास रिज्यूम मैंडेटरी है।
तो आप रिज्यूम रेडी करो, कॉबुलेटर रेडी करो, उसके बाद जो जो वेबसाइट मैंने आपको दिया वो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, हमारा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा, आप जाके एप्लीकेशन करो। दोस्तों वीडियो को लाइक करो और देखो हम आपको एक इनमें से एक वेबसाइट जो है रनस्टार्ट, इसमें हम एप्लीकेशन करके आपको दिखाया है कैसे आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। आप थोड़ा देखो एप्लीकेशन करने से पहले, पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी एक रिज्यूम रेडी करो, कॉबल लेटर रेडी करो, एप्लीकेशन करो, आपको भी जॉब मिल सकता है। देखो नॉर्मली आपको गूगल पे सर्च कर लेना है रनस्टार्ट लग्जमबर्ग, ये एक एजेंसी है जो आपको रिक्रूट करते हैं, ठीक है। कैसे देखो, इसमें सबसे पहला वाला जो है इसमें क्लिक कर, देखो ऐसे इंटरफेस आपके पास आएगा, ठीक है। बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, तो इधर लैंग्वेज अगर दूसरे लैंग्वेज होगा तो आप इसे को चेंज कर सकते हो थ्री डॉट पे क्लिक करके। इधर ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद इंग्लिश कर लेना है तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाएगा सब कुछ। देखो सबसे पहले जो है ऑर्डर पिकर का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिशियन का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, कारपेंटर का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, तो ऐसी बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल होता है। तो आप अगर एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इधर इंग्लिश कर लेना है आपको लैंग्वेज, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। आप देख सकते हो ऑर्डर पिकर का जॉब वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर, सैनिटरी हेल्थ, सैनिटरी हीटिंग, उसके साथ साथ स्पेशल टेक्निकल, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर का जॉब वैकेंसी, ठीक है। डाटा गवर्नमेंट ऑफिसर, सेक्रेटरी, बार्डर, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, इंडस्ट्रियल मैकेनिक, बॉडी वर्क पेंटर, तो ऐसे बहुत सारा जॉब वैकेंसी, फोकलिक मेंटेनेंस टेक्नीशियन का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, ग्राइंडर का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, मेटल कॉन्ट्रेक्टर कंस्ट्रक्शन का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, हेवी गुड व्हीकल मैकेनिक का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो वेटर का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, वेट्रेस के लिए भी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, ड्राइवर का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। मान लो आप एक वेटर, ठीक है, वेटर का आप जॉब वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो लग्जमबर्ग पे, इस पर क्लिक कर लेना है, सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो ऐसे इंटरफेस आपके पास आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज चेंज कर लेना है, लैंग्वेज पे इधर क्या कर लेना है, इंग्लिश कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश पे जाके आप देख सकते हो इधर पूरा इंग्लिश पे आ जाएगा, ठीक है, लग्जमबर्ग सेंटर टेम्पररी। उसके साथ साथ इधर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है क्या क्या आपको काम करना है, एक्सपीरियंस कितना साल का चाहिए, कम से कम मिनिमम एक साल से दो साल आपका एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो इधर पूछा अच्छे से पढ़ना है आपको। अगर आपको एप्लीकेशन डालना है तो आपको क्या करना है, सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। देखो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा। अगर आप रनस्टार्ट पे पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो लॉग इन पे क्लिक करना है। अगर आपने न्यू यूजर हो, पहले आपने यूज कर रहे हो रनस्टार्ट.com, जो आपने जो रनस्टार्ट LU जो ऑफिशियल पोर्टल वेबसाइट, तो इसमें आपको न्यू यूजर पे क्लिक कर लेना है। न्यू यूजर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है आपको, आपका फर्स्ट नेम आपको डालना है, लास्ट नेम आपको डालना है, उसके साथ साथ आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, ठीक है। देखो इधर लिखा हुआ है पासवर्ड 8 कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब जो आप लेटर लिख रहे हो 8 लेटर आपको लिखना है, एक स्मॉल लेटर लिखना है, एक नंबर लिखना है, ऐसे करके आपको पासवर्ड देना है, पासवर्ड को रीटाइप करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर आप मेल या मिसेस हो, उसके साथ साथ नेशनलिटी या आप यूरोपियन हो या नॉन यूरोपियन हो, मतलब अगर आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से वीडियो देख रहे हो तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप नॉन यूरोपियन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कंट्री का नाम, प्लेस ऑफ रेसिडेंट आप कहाँ से हो, वो जगह का नाम, पोस्टल कोड आपका पोस्टल कोड जो होगा तो उधर लिखना है, स्ट्रीट आपका स्ट्रीट एड्रेस, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी आप जो अवेलेबिलिटी हो, आप जो कब से अवेलेबल हो, अनअवेलेबल कब से अवेलेबल हो, तो इधर अवेलेबल पे क्लिक कर लेना है। अवेलेबल फ्रॉम, कब से आप अवेलेबल हो, जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उन डेट से ही आप इसको डेट कर सकते हो। मान लो आज मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ तो आज मैं इधर अवेलेबल हूँ आज से, ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो। डिग्री अप लेवल का, कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है, ठीक है, वो आपने इधर डालना है। जॉब प्रेफरेंस, आप कौन सी सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, जैसे IT हो गया, मार्केटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग लॉजिस्टिक हो गया, टेक्नीशियंस हो गया, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो गया, आप कौन सी फील्ड से हो वो लिखना पड़ेगा इधर। उसके साथ साथ आपका लैंग्वेज, ये जो मादर लैंग्वेज है आपका सबसे पहले वाला डालना है, उसके बाद लैंग्वेज 2 ऑप्शनल, लैंग्वेज 3 ऑप्शनल, मतलब आपको सबसे पहले मादर लैंग्वेज डालना है, उसके साथ साथ नंबर 2 पे आपको दूसरा कोई लैंग्वेज पता है तो आप इसमें डाल सकते हो। जैसे आप
ऐसे मान लो आपका मदर लैंग्वेज हिंदी है तो इधर हिंदी कर लेना है, उसके बाद आपका इंग्लिश आपको पता है तो ऑप्शनल पे आपको इंग्लिश कर लेना है, उसके साथ साथ आप ये और सीवी, इधर आपका जो सीवी है तो सीवी कम से कम आपका यूरो पास होना चाहिए, आप स्क्रीन में देख सकते हो यूरो पास टाइप का रिज्यूम आपको रेडी करना है, उसके बाद एप्लीकेशन करना है, इधर आपको सीवी अपलोड कर लेना है, यूरो पास होना चाहिए कम से कम क्योंकि दूसरा सीवी नहीं चलते हैं, तो इधर यूरो पास आपका सीवी रेडी करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर जॉब्स पे क्लिक कर लेना है, तो आपका जो सीवी है वो जॉब के लिए एप्लीकेशन हो गया। तो इम्प्लॉयर को अगर आपका सीवी पसंद आया तो आपको मेल किया जाता है, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, अगर आपका इंटरव्यू होता है जो प्रोसेस होता है आपका स्टार्ट होता है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।